हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नेचुरल गैस एनालिसिस वीडियो के साथ। यहाँ पे पहले सारी ड्राइंग्स वगैरह हटाते हैं। पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनसाइड देखने के लिए मिला था और अच्छा खासा हम लोग को मौका भी मिला था यहाँ पे पैसे कमाने के। अभी यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोग ये चीज़ एकदम बहुत ही सिंपली नोटिस कर सकते हो कि एक डाउन ट्रेड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। लगातार नेचुरल गैस यहाँ पे डाउनसाइड चलते आ रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग का ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे डाउनसाइड पे। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप लोग ये वाला अगर दिन देखोगे तो यहाँ पे पुल बैक यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला है। कंपेरेटिवली अगर आप लोग नोटिस करो तो ये जो आप लोग का पुल बैक की साइज़ है वो कंपेरेटिवली किसी भी पुल बैक से ज़्यादा है। मतलब अगर ये वाला पुल बैक देखोगे, ये वाला पुल बैक देखोगे तो उससे भी कंपेरेटिवली स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे पुल बैक मिला था इनिशियली, जो आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा सा हम लोग को ऐसा लग रहा था यहाँ से कि मार्केट और ऊपर जा सकते, लेकिन फिर से अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ से रिजेक्शन देके दोबारा नेचुरल गैस नीचे आ गई। तो अब यहाँ पे ये कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे रिवर्सल आने वाला है कि फिर से यहाँ पे मार्केट बेवकूफ़ बना रही। देखो बहुत ही सिंपल है, अभी हम लोग को एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करने होंगे जो कि आप लोग के यहाँ पे 197 से लेके 198.70 वाले लेवल्स होंगे। अगर मार्केट इन वाले लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर ट्रैवल करती है तब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि एक बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है, यहाँ पे नेचुरल गैस दोबारा से रिवर्सल ले सकती है। तो अभी के लिए ये वाले लेवल्स 197 और 198.70 लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक हम लोग अपसाइड की ट्रेड यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं मार्केट के अंदर। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में किसी भी लेवल पे अगर डाउनसाइड का कोई भी यहाँ पे पैटर्न बनता है, कोई भी आप लोग को सिग्नल मिलता है ऑन कैंडल, तो आप लोग यहाँ पे डाउनसाइड की ट्रेड ले सकते हो। अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल डाउनसाइड पे अगर देखा जाए तो एक 191.60 लेवल्स होने वाले हैं, उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो फिर 188.40 लेवल्स होने वाले हैं। अब यहाँ पे ट्रेड लेंगे कैसे? देखो एक तरीका तो ये है कि 191.60 के नीचे हम लोग एंटर करें, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग वेट करें कि मार्केट अल्टीमेटली यहाँ पे आप लोग का 197 या 198 वाले लेवल्स के आसपास आए, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले, किसी भी तरह का यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है या किसी भी तरह का आप लोग का बेरिश पैटर्न बनता है टॉप पे तो यहाँ पे आप लोग बेरिश पोजीशन बना सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 191.60 और 188.40 हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि मार्केट यहाँ पे पहुँचे, हो सकता है ऑन द मतलब ये मिडिल में ही यहाँ पे कहीं से भी रिजेक्शन ले ले। तो अभी जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल आप लोग को देखने के लिए मिलेगी, एक यहाँ पे ऊपर से एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार बना है यहाँ पे, मतलब रिजेक्शन लेते हुए कैंडल नीचे आई है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन में नीचे ट्रेड जा रही है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक बार को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के पहला टारगेट यहाँ पे और दूसरा टारगेट इन वाले लेवल्स का ले सकते हो। तो ऐसे ही कई अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि ये अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो मतलब स्टॉप लॉस कंपेरेटिवली यहाँ पे आपको बड़ा देखने के लिए मिलेगा और पहला टारगेट उसके हिसाब से कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे पोजीशन साइज अगर आप लोग लोगे तो कहेंगे, रिकमेंड करेंगे कि थोड़ा सा छोटा रखना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट होने के चांसेस कितने हैं कितने नहीं वो तो बताना मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि ये मिडिल ऑफ द रोड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा स्टॉप लॉस कंपेरेटिवली बड़ा है और टारगेट कंपेरेटिवली उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन शॉर्ट अच्छा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन साइज अपनी छोटी रखेंगे। दूसरा टारगेट हालांकि आता है तो हम लोग को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे 188.40 लेवल्स ब्रेक करते हैं तो फर्दर और भी ट्रेड्स हम लोग को देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे चॉपिनेस देखने के लिए मिलेगी। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 185.80 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब ये देखने वाली बात होती है कि आज यहाँ पे 188.40 लेवल्स ब्रेक कर पाती है नेचुरल गैस की नहीं। फिलहाल अभी इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना। ओके बाय।